नमस्कार दोस्तों, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है डब्ल्यू आर सीरीज के एक और वीडियो में। तो दोस्तों, तालिबान और अफगान आर्मी के जारी तनाव और संघर्ष के बीच में अफगान आर्मी को उसके बीच में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल हुई है। दरअसल अफगानिस्तान के रक्षा मंत्रालय के अनुसार कि उनके अफगानिस्तान आर्मी के 3-4 दिन के ऑपरेशन के दौरान करीबन 24 घंटे के बीच में 300 से 350 के बीच में आतंकवादियों को अफगान आर्मी ने ढेर कर दिया है। और ये आतंकवादियों को उन्होंने विभिन्न प्रांतों में चलाए जा रहे ऑपरेशन के बीच में ढेर किया है। और इसी के साथ में मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस अफगानिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस ने ट्वीट किया है, जो कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, कि 35 की संख्या में तालिबानी टेरिटरी जो टेररिज्म है उसको ख़त्म कर दिया गया है। और इसी के साथ ही 210 से ज़्यादा आतंकवादियों को घायल किया है। और ये ऑपरेशन लोगार, गजनी, पत मैदानी, वर्धक, कंधार, हेरात, फरा, इसी के साथ बहुत से प्रांतों में चलाए गए ऑपरेशन के दौरान उपलब्धि हासिल हुई है। ये बहुत बड़ी न्यूज़ बन जाती है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि उन्होंने 24 घंटे में इतने सारे आतंकवादी को मार गिराया। इसी के साथ तालिबानियों पर थोड़ा प्रेशर भी आया होगा कि वो उनको पीछे हटने पर भी मजबूर कर दिया होगा अफगानिस्तान के आर्मी ने ऑपरेशन के बाद में। ऑपरेशन अफगानिस्तान के आर्मी ने अभी के वक्त में जारी तालिबानियों द्वारा तेज गति से हिंसा को बढ़ावा देने के बाद किया गया है। वहीं इस ऑपरेशन में सबसे बड़ी जीत अफगानिस्तान की आर्मी के लिए ये एक ही कंधार के बहुत से कब्जों को जो तालिबान ने कब्जा लिया था उसको छुड़ा लिया गया है। किसान आपको बता दें कि अफगानिस्तान में पुलिस, आर्मी और बड़े बड़े अधिकारियों के रिश्तेदारों को मारा जा रहा है तालिबानियों द्वारा। और वहीं अगर बात करें कि अमेरिकी सैनिकों की वापसी के बाद तालिबानियों ने अपने पेड़ तेज गति से पसार दिए हैं, और इसी का नतीजा है कि आज इतनी तेज गति से हिंसा बढ़ गई है अफगानिस्तान में। और इससे पहले दोस्तों, शुक्रवार को अफगानिस्तान की सरकारी मीडिया प्रबंधक के प्रमुख की हत्या कर दी थी, उसके साथ उसके निदेशक की भी हत्या कर दी थी, जिसको कि मीडिया का प्रबंधक नियुक्त किया गया था अफगानिस्तान की सरकार द्वारा। एक साथ ये हाल ही के दिनों में किसी सरकारी मीडिया कर्मचारी की हत्या किए जाने की ये नवीनतम न्यूली केस है। इसके साथ दोस्तों, अब कहना भी यही चाहिए कि अब ये ऐसी हत्याएं आमतौर पर प्रतिदिन हो रही है, तो ये अब नॉर्मली हो गया है अफगानिस्तान के अंदर, क्योंकि वहाँ आए दिन कोई ना कोई मरता है, कोई ना कोई ब्लास्ट हो ही जाता है, तालिबानियों द्वारा किया जाता है ये सब। और इसके साथ अफगानिस्तान को चाहिए कि कड़े एक्शन ले, उस पर और तेज गति से हमला करे, और अमेरिकी सैनिक जो वापस जा रहे हैं और उनकी जो एयर स्ट्राइक है वो उसको और तेज बढ़ाया जाए, क्योंकि अभी लगता नहीं कि जिस तरह से अमेरिकी सैनिक अपना रवैया अपना रहे हैं उससे तालिबान को खात्मा करने का वो मादा रखते हैं। तो इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।